गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में बीएससी सेकेंडरी स्टूडेंट्स का स्वागत है। ठीक है, आज हम मिडटर्म में कौन सी स्टेज का अध्ययन करेंगे? गैमेटोफिटिक स्टेज। ठीक है, कौन सी स्टेज? गैमेटोफिटिक स्टेज का अध्ययन करेंगे। इसको क्या कहते हैं हम? युग्मकोद्भिद अवस्था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने स्पोरोफिटिक स्टेज पढ़ी थी, उसमें मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा कि हमने, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंतर्गत, ठीक है, जो लघु लघु बीजाणु धानी का विकास हुआ था, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, लघु बीजाणु धानी, इसके अंदर किसका निर्माण हुआ था? माइक्रोस्पोर का। ठीक है, किसका निर्माण हुआ था? माइक्रोस्पोर का निर्माण हुआ था, लघु बीजाणु का निर्माण हुआ था। ठीक है, तथा दूसरे इसके अंतर्गत ओव्यूल, ठीक है, बीजाणु, या इसी को क्या कहते हैं हम? मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर किसका निर्माण हुआ था? मेगा स्पोर का निर्माण हुआ था। ठीक है, किसका निर्माण हुआ था? मेगा स्पोर का निर्माण हुआ था। ठीक है, माइक्रोस्पोर के द्वारा, ठीक है, किसका विकास होता है? मेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, किसका निर्माण होता है? मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, तथा मेगा स्पोर के द्वारा, ठीक है, गुरु बीजाणु के द्वारा किसका विकास होता है? फीमेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, किसका विकास होता है? फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब आज हम जो अध्ययन करेंगे वो किसका अध्ययन करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, किसका अध्ययन करेंगे? नर युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, तो ये है कि किसके द्वारा किसका विकास होता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वह है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट अर्थात नर युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार होता है। ठीक है, तो नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, ठीक है, वह किसके द्वारा होता है? माइक्रोस्पोर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है? माइक्रोस्पोर के द्वारा होता है। माइक्रोस्पोर जो है, ठीक है, लघु बीजाणु जो है, ठीक है, यह जो होती है फर्स्ट सेल यानी पृथक कोशिका या अवस्था, ठीक है, ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद की पृथक कोशिका या पृथक अवस्था होती है जिसके द्वारा किसका विकास होता है? नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर की यदि हम संरचना देखें, संरचना देखें तो ये कैसे होता है? माइक्रोस्पोर स्फेरिकल होता है, ठीक है, गोलाकार होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, ठीक है, कैसा होता है? यूनिन्यूक्लिएट होता है, एक केंद्र की होता है, ठीक है, तथा इसकी जो लेयर होती है, ठीक है, जो भित्ति होती है, दो भागों में, दो स्तरों में डिवाइडेड होती है, विभेदित होती है। ठीक है, एक तो होती है इसमें आउटर लेयर, ठीक है, क्या? आउटर लेयर, तथा एक होती है इसमें लेयर, इनर लेयर। ठीक है, कौन सी लेयर? इनर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर जो है वह क्या कहलाती है? एग्जाइन। ठीक है, क्या कहलाती है? एग्जाइन कहलाती है, जबकि इनर लेयर जो होती है वह क्या कहलाती है? इंटाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटाइन कहलाती है। ये इसकी माइक्रोस्पोर की बेसिक स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर की संरचना। अब हम देखते हैं कि जब माइक्रोस्पोर के द्वारा नर युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर की द्वारा देखो ये क्या है? माइक्रोस्पोर, ठीक है बेटा, क्या है? माइक्रोस्पोर है, इसमें एक एगोनिक केंद्र होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, तथा इसमें द्विस्तरीय वॉल पाई जाती है लेयर। बाहर की लेयर जो है एग्जाइन कहलाती है, ये इंटाइन कहलाती है, ये इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और ये क्या है? पूरी स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्या है? माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके द्वारा मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है वो देखिए।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके MI2 स्पोर के न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिसके द्वारा दो केंद्रक या दो कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। निचली छोटी कोशिका बनती है, ठीक है, निचली छोटी कोशिका तथा ऊपरी बड़ी कोशिका निर्मित होती है। ठीक है, दो कोशिकाएं बनती है, एक तो छोटी कोशिका निचली और दूसरी ऊपरी बड़ी कोशिका। निचली छोटी कोशिका जो है वह क्या कहलाती है, प्रोथेलियल सेल। ठीक है, क्या कहलाती है, प्रोथेलियल सेल कहलाती है, जिसको क्या कहते हैं हम, प्रोथेलस कोशिका। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोथेलस कोशिका कहते हैं। जबकि जो ऊपरी बड़ी सेल जो है वह कौन सी सेल कहलाती है, जेनरेटिव सेल। ठीक है, कौन सी सेल, जेनरेटिव सेल कहलाती है, जनन कोशिका कहलाती है। ठीक है, अब इसमें प्रोथेलस कोशिका में जो प्रोथेलियल सेल होती है, इसमें किसी भी प्रकार के डिवीजन नहीं होते हैं। आगे डिवीजन कौन सी कोशिका में होते हैं, जेनरेटिव सेल्स में होते हैं, जनन कोशिका में होते हैं। अब इसमें जनन कोशिका में डिवीजन होते हैं, जिसके द्वारा पुनः दो केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, पुनः दो केंद्रकों का क्या होगा, निर्माण होता है। इस प्रकार से दो छोटे छोटे केंद्रक और निर्मित होते हैं, ये प्रोथेलियल सेल या न्यूक्लियस। ठीक है, ये एक बनती है, इसमें जेनरेटिव सेल्स कहलाती है, और दूसरी जो है वो क्या कहलाती है, स्टॉप सेल या स्टॉप न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टॉप न्यूक्लियस कहलाता है। अब इसमें ये जेनरेटिव सेल्स है, इसमें डिवीजन के द्वारा ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण होता है। इसका निर्माण स्टॉप न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वो निर्मित होता है, नलिका केंद्रक या नलिका कोशिका निर्मित होती है। ठीक है, अब इसमें जो नलिका कोशिका है उसके द्वारा इसमें किसका निर्माण हो जाता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, पराग नलिका का निर्माण होता है, जिसमें शीर्ष पर प्रोथेलियल है न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोथेलियल सेल होती है, एक स्टॉप न्यूक्लियस एंड वन एक जेनरेटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ये है प्रोथेलियल सेल। नेक्स्ट ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस एंड ये जेनरेटिव सेल। ठीक है, अब इसमें जेनरेटिव सेल्स के द्वारा, ठीक है, इसमें आगे जाकर किसका निर्माण हो जाता है, दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, दो नर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार से इसमें चार केंद्रक उपस्थित होते हैं, एक तो उपस्थित होता है ट्यूब न्यूक्लियस, दो मेल गैमेट, दो मेल गैमेट, ठीक है, और एक प्रोथेलियल सेल। ठीक है, यह जो चार केंद्र की संरचना होती है, यह चार केंद्र की संरचना ही क्या कहलाती है, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, क्या कहलाती है, मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकों में कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, थ्योरेटिकल देखते हैं तो माइक्रोस्पोर के द्वारा होता है, एग्मेट होता है। इस माइक्रोस्पोर में, ठीक है, ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा दो सेल बनती हैं, एक तो बनती है स्मॉल सेल, स्मॉल सेल एंड दूसरी बनती है लार्ज सेल। ठीक है, स्मॉल सेल से जो है वो क्या कहलाती है, प्रोथेलियल सेल। ठीक है, क्या कहलाएगी, प्रोथेलियल सेल कहलाती है। लार्ज सेल से जो है वह क्या कहलाती है, जेनरेटिव सेल। ठीक है, क्या कहलाती है, जेनरेटिव सेल, जिसमें पुनः डिवीजन के द्वारा दो केंद्रक बनते हैं, एक तो बनता है स्टॉप न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बनता है, स्टॉप न्यूक्लियस। ठीक है, और दूसरी जो बनता है वह क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस निर्मित होता है। ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस में आगे जाकर, ठीक है, इस उपकेंद्रक में जाकर आगे बॉडी सेल का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण, बॉडी सेल का निर्माण होता है। बॉडी सेल्स के द्वारा किसका निर्माण हो जाता है, मेल गैमेट का। ठीक है, किसका निर्माण हो जाता है, दो मेल गैमेट्स का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसमें चार केंद्रक उपस्थित होते हैं।
क्रिस्टोफिकलर दो मिलने में यह चतुर्केंद्र की जो संरचना होती है, यह चतुर्केंद्र की संरचना ही कहते लाभुज है मेल नेमेटोफाइट कहलाती है, जिसके अंदर इसका विकास होता है, दो एगुणित नर युग्मकों का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है दो एगुणित नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। थैंक यू।